नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मनोज राठौर मैथ क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग। इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। ए पोर्शन में हमें दिया है -2/3, इसकी होल पावर 5 इंटू -2/3 और इसकी होल पावर 7। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, इन दोनों का जो बेस है वो सेम। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो सिंस ए दी पावर एम इंटू ए दी पावर एन होता है तो इसके इक्वल में हम लिखते हैं ए दी पावर एम प्लस एन। ठीक है, तो देर फोर -2/3 दी पावर 5 इंटू -2/3 और इसकी होल पावर 7 इज इक्वल टू क्या होगा, -2/3 होल पावर 5 प्लस 7। 5 और 7 कितना हो गया आपका 12, तो -2/3 और इसकी होल पावर हो जाएगी 12। ठीक है, तो ये हमारा ए पोर्शन कंप्लीट। अब हम आते हैं बी पोर्शन पे। अब बी पोर्शन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है और प्रोडक्ट में है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो -8/5 इंटू -8/3 इज इक्वल टू क्या होगा, -8/5 + 3। तो देयरफॉर -8/5 क्या हो जाएगी, 5 + 3 = 8। ओके, ये इसका आंसर हो गया। नाउ सी पोर्शन। देखो सी पोर्शन में इसका बेस है पी और इसका बेस है पी, तो दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक एड हो जाएगी। तो पी दी पावर 15 + 21 इंटू, अब इन दोनों का बेस क्या है, सेम, तो क्यू दी पावर 23 + 40। अब इसको ऐड कर लो, 15 + 21 तो ये आपका हो जाएगा 36 इंटू क्यू दी पावर 23 + 14 तो ये हो जाएगा 37। ओके, ये हमारा सी पोर्शन कंप्लीट। नाउ डी पोर्शन। डी पोर्शन में देखो तीनों का बेस क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर आपकी ऐड हो जाती है, 3m + 4m + 8m। अब इसको ऐड कर दो, 3 और 4 7, 7 और 8 15, तो 7 की पावर 15m इसका आंसर हो गया। तो गाइस ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें इनको सोल्व करना है। ए पोर्शन में हमें दिया है पी दी पावर 12 डिवाइडेड बाई पी दी पावर 25। ठीक है, अब हम इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करते हैं। वी नो दैट ए दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए दी पावर एन होता है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं ए दी पावर एम माइनस एन। ठीक है, तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, पी दी पावर 12 - 25। अब इसमें से माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा पी दी पावर -30। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ बी पोर्शन। बी पोर्शन में हमें दिया है 8/3 इंटू 8/4 डिवाइडेड बाई 2/5 और इसका होल क्यूब। अब इसमें भी देखो एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेन ए दी पावर एम इंटू ए दी पावर एन होता है तो पावर आपकी एड हो जाएगी, यानी कि ए दी पावर एम प्लस एन हो जाएगा। तो यहां ध्यान दो, यहां देखो मल्टीप्लाई है और यहां क्या था आपका डिवाइड। तो जब डिवाइड में होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर एड होंगी। हमारे पास क्या जाएगा 8/3 + 4
और डिवाइडेड बाई 2 दी पावर 5 और इसकी पावर 3। अब इसको ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 8 दी पावर 7 अपॉन 2 दी पावर 5 और इसका होल क्यूब। अब क्वेश्चन नीचे है 2 दी पावर 5, दैट इज इसका बेस क्या है, 2 है, तो हम 8 को 2 की फॉर्म में लेके आते हैं। तो 8 को 2 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 दी पावर 3, और 2 दी पावर 3 क्या होता है, 8 होता है और इसकी होल पावर क्या है, 7, और डिवाइडेड बाई 2 दी पावर 5 और इसका होल क्यूब। अब अगेन एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग कि वी नो दैट जब ए दी पावर एम और इसकी पावर एन होता है तो ये पावर आपकी प्रोडक्ट में आ जाएंगी, दैट इज ए दी पावर एम इंटू एन हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 दी पावर 3 इंटू 7 21 अपॉन 5 इंटू 3 टू दी पावर 15। अगेन देखो फर्स्ट रूल लग गया इसमें, ए दी पावर एम डिवाइडेड बाई ए दी पावर एन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए दी पावर एम माइनस एन। अब 21 में 15 माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 2 दी पावर 6 और 2 दी पावर 6 का मीनिंग क्या हो गया, 64। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हम आते हैं सी पोर्शन पे। सी पोर्शन में हमें दिया है 12 दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 12 दी पावर 6 अपॉन 24 का होल स्क्वायर। अब देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से जब बेस सेम होता है लेकिन डिवाइड में होता है तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास हो जाएगा 12 दी पावर 6 माइनस 6 और अपॉन में 24 का होल स्क्वायर 576। 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0, तो 12 दी पावर 0 अपॉन 576। अब देखो इसमें भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग कि व्हेन ए दी पावर 0 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन स्टेंट कि ए दी पावर सॉरी ए इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब नंबर चल सकते हैं। तो ए दी पावर सॉरी 12 दी पावर 0 का हम क्या लिख सकते हैं, 1, तो ये ऊपर तो हो जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 576। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ डी पोर्शन, इसको यहां से रफ कर देता हूं। डी पोर्शन में हमें दे रखा है 15 दी पावर 4 और डिवाइडेड का मतलब इसके नीचे 3 दी पावर 6 इंटू 5 दी पावर 6। ओके, अब देखो नीचे 3 है और 5 है तो 15 को भी हम 3 और 5 की फॉर्म में लेके आते हैं। 15 को लिख सकता हूं 3 इंटू 5 15 और इसकी पावर कितनी है, 4, तो मैं 4 लगा दूंगा अपॉन में 3 दी पावर 6 इंटू 5 दी पावर 6। ठीक है, अब देखो दोनों की पावर क्या है, 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 दी पावर 4 इंटू 5 दी पावर 4 और अपॉन में 3 दी पावर 6 इंटू 5 दी पावर 6। अब इन पावर को हम नीचे लेके आते हैं बाय रूल ऑफ एक्सपोनेंट से, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 दी पावर 6 नीचे लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी इंटू 5 दी पावर 6 और 4 को नीचे लेके आएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास क्या जाएगा, 1 अपॉन 6 माइनस 4 2 बच गया इंटू 5 दी पावर 6 माइनस 4 2 बच गया, दैट इज 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 25। 9 इंटू 25 हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 225। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। 3 में हमें इनको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ए पोर्शन में हमें दिया है 3 दी पावर 7 इसकी होल पावर 8 इंटू 9 स्क्वायर और इसकी होल पावर 4 अपॉन 27 की होल पावर 5। सबसे पहले स्टूडेंट हम 9 और 27 के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 3 दी पावर 7 इसकी होल पावर 8 इंटू
9 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 3 और इसकी पावर क्या है 2 और होल पावर 4, ठीक है, अपॉन 27 के फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 3 और इसकी होल पावर 5। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 3 दी पावर 7 और इसकी होल पावर 8 इंटू 3 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर और इसकी पावर 2 और कंप्लीट की पावर हमारे पास है 4 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 5। अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहां अप्लाई करते हैं, सिंस ए दी पावर एम और इसकी होल पावर एन होती है तो इसको हम लिख सकते हैं ए दी पावर एम इंटू एन, ठीक है। तो देखो 3 दी पावर 7 इंटू 8 3 दी पावर 56 इंटू 3 दी पावर 2, देखो 3 दी पावर 2 और इसकी पावर 2 तो 2 टू जा 4 हो गया, यानी कि 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर 4 अपॉन 3 दी पावर 3 इंटू 5, ये आपका 15 हो गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 दी पावर 4 और इसकी पावर 4, तो इसको कंप्लीट को हम लिख सकते हैं 3 दी पावर 16। ओके, अब देखो दोनों का बेस सेम है और प्रोडक्ट में है तो पावर क्या हो जाएगी एड, तो 3 दी पावर 56 प्लस 16 अपॉन 3 दी पावर 50, 56 प्लस 16 तो आपके पास आ जाएगा 3 दी पावर 72 और डिवाइडेड बाय 3 दी पावर 50। अगेन एक्सपोनेंशियल रूल से सिंस ए दी पावर एम डिवाइडेड बाय ए दी पावर एन होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए दी पावर एम माइनस एन, तो ये पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 3 दी पावर 72 माइनस 50, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 दी पावर 57। ओके, ये ए पोर्शन कंप्लीट। अब हम बी पोर्शन पे आते हैं, बी पोर्शन में हमें क्या दे रखा है एम दी पावर 15, एम दी पावर 4, एम दी पावर 3, एम दी पावर 2, तो देखो चारों का बेस क्या है सेम है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि एम की पावर 15 प्लस 4 प्लस 3 और प्लस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी एम दी पावर 14 प्लस 3। अब इसको ऐड करो हमारे पास कितना आएगा एम दी पावर 15 और 4 19, 22 और 24 और नीचे क्या आएगा एम दी पावर 70। अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया लेकिन डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, दैट इज एम दी पावर 24 माइनस 17, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एम दी पावर 7, ठीक है। ये हमारा बी पोर्शन कंप्लीट। अब हम सी पोर्शन को लेते हैं, सी पोर्शन भी सिंपल है, देखो तीनों का बेस सेम है तो तीनों का जब बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगी एड 2 दी पावर 4 प्लस 6 प्लस 5 और इनटू में क्या है 5 दी पावर 2 अपॉन, अब इन तीनों का बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगी एड 2 दी पावर 2 प्लस 5 प्लस 8 और इनटू में है 10 का स्क्वायर तो 10 के फैक्टर कर दो 2 इंटू 5 10 हो गया और इसका होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो 2 दी पावर कितनी हो जाएगी 4 और 6 10 और 5 50 और इनटू में 5 होल स्क्वायर अपॉन, ये भी आपका 15 हो जाएगा 2 दी पावर 15 इनटू, अब देखो इन दोनों की पावर 2 है तो हम सेपरेट कर देते हैं 2 का स्क्वायर इनटू 5 का स्क्वायर। अब देखो सीधा आप काट सकते हैं 2 दी पावर 15 से 2 दी पावर 15 कैंसिल और 2 दी पावर 2 से 2 दी पावर सॉरी 5 दी पावर 2 से 5 दी पावर 2 कैंसिल, हमारे पास क्या गया 1 अपॉन 2 दी पावर 2 या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सी पोर्शन कंप्लीट। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं, लास्ट पोर्शन में हमें दिया है 6 अपॉन 15 इसका होल क्यूब इनटू 25 अपॉन 24 इसका
होल। अब जो 6 अपॉन 15 है वो 3 से कट जाएगा, 6 है वो 2 टाइम और 15 है वो आपका 5 टाइम, और इसका होल क्यूब इनटू 25 पे फैक्टर कर लो 5 इनटू 5 और अपॉन में 24 के कर लेते हैं 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 और इसकी होल पावर 3। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2 दी पावर 3 अपॉन में 5 दी पावर 3 इनटू 5 इनटू 5, 5 का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी है 3 अपॉन 2 इनटू 2 इनटू 2, तो 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 3 इनटू 3 की पावर 3। ओके, अब इसको और सॉल्व करो, 2 दी पावर 3 अपॉन 5 दी पावर 3 इनटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 इंटू 3, 5 दी पावर 6 अपॉन 2 दी पावर कितनी हो जाएगी 9 इंटू 3 दी पावर 3। अब हम क्या करते हैं, 2 दी पावर 3 को नीचे लेके आते हैं, तो 2 दी पावर 3 है वो नीचे नेगेटिव हो जाएगी, 5 दी पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ऊपर बन जाएगा 5 दी पावर 6 माइनस 3 अपॉन 2 दी पावर 9 माइनस 3 इंटू 3 दी पावर 3। अब हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर 5 दी पावर 3 और नीचे 2 दी पावर 6, 9 माइनस 3 6 बचेगा और 3 दी पावर 3। ठीक है, अब देखो इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, तो इसको भी हम पावर 3 में लेके आते हैं, 5 दी पावर 3 अपो, अब देखो 2 दी पावर 2 और इसकी पावर अगर मैं 3 कर दूंगा तो एक ही बात है, और इनटू में 3 दी पावर 3, अब 2 दी पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4। ओके, तो ये हो गया 4 दी पावर 3। अब तीनों की पावर क्या होगी सेम, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 अपॉन 4 3 जा 12 और इसकी होल पावर 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को लेते हैं। 4 में हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, ए पोर्शन में हमें दिया है 8 दी पावर 0 प्लस 9 दी पावर 0 माइनस 7 दी पावर 0। तो देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, वी नो दैट ए दी पावर 0 होता है तो उसके इक्वल में 1 होगा और ए इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 8 दी पावर 0 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 9 दी पावर 0 को भी 1 माइनस 7 दी पावर 0 को भी 1। अब प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1। ठीक है, नाउ बी पोर्शन में हमें दे रखा है 7 दी पावर 0 प्लस 6 दी पावर 0। अब 7 दी पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं प्लस 6 दी पावर 0 को भी 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 2 इसका आंसर हो गया। सी पोर्शन पे आते हैं, सी पोर्शन में हमें दे रखा है 3 दी पावर 5 इंटू 3 दी पावर 7 इंटू 3 दी पावर 2 इंटू 3 दी पावर 5 अपॉन 3 दी पावर 6 इंटू 3 दी पावर 3 इंटू 3 दी पावर 6 इंटू 3 दी पावर 4। अब ऊपर देखो सभी का बेस क्या है, सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, इसका भी बेस क्या है सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4। अब इसको ऐड कर लो, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 5 और 7 12, 12 और 7 19 अपॉन 3 की पावर नीचे ऐड कर लो 6 और 3 9, 9 और 10 19। ठीक है, दैट मींस देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी सबट्रैक्ट, क्योंकि ये डिवाइड में है तो 3 की पावर 19 माइनस 19 तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, ये इसका आंसर हो गया। नाउ डी पोर्शन, डी पोर्शन बिल्कुल सिंपल है, चुटकियों में इसको कर सकते हैं, 4 की पावर 0 1, 6 की पावर 0 1,
माइनस थ्री की पावर जीरो वन, माइनस एट की पावर जीरो वन। अब देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आंसर क्या आ गया जीरो। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव को लेते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमें इनका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। ए पोर्शन रेसिप्रोकल ऑफ माइनस टू अपॉन नाइन जिसकी होल पावर थ्री। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, नाइन को ऊपर लिख दो टू को नीचे और माइनस और इसकी होल पावर थ्री। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। नाउ बी पोर्शन, बी पोर्शन में हमें दे रखा है 25 अपॉन 5 द पावर 4। अब 25 के फैक्टर कर लो 5 इंटू 5 और इसके डिवाइड में है 5 द पावर 4। 5 इंटू 5 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और अपॉन में क्या है 5 द पावर 4। अब इसको नीचे ले आओ तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर बच गया 1 और नीचे 5 की पावर 4 और ये माइनस 2। हमारे पास आ गया 1 अपॉन 5 की पावर 2। अब इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लो। सो रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, नाउ सी पोर्शन, सी पोर्शन में हमें दे रखा है 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर 5 और डिवाइडेड 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर क्या है 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर 5, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 इंटू 4 8। अब बेस सेम है लेकिन डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, 3 की पावर 20 माइनस 8 तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 12। अब इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लो। सो रेसिप्रोकल ऑफ 3 दी पावर 12, ठीक है इसके नीचे 1 लगा दो तो 1 ऊपर आ जाएगा और 3 की पावर 12 नीचे आ जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल आ गया। नाउ डी पोर्शन, देखो डी पोर्शन में हमें दे रखा है 8 दी पावर 7 इंटू 8 दी पावर 6 अपॉन 8 दी पावर 5 इंटू 8 दी पावर 8। अब ऊपर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी तो 8 की पावर 7 प्लस 6 और नीचे भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड तो 8 दी पावर 5 प्लस 8 तो हमारे पास क्या जाएगा 8 की पावर 13 अपॉन 8 की पावर 13। सेम नंबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 1। अब इसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है। सो रेसिप्रोकल ऑफ 1 और 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 ही होता है। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन फ्लोइंग इक्वेशंस, ये हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए पोर्शन माइनस 15 अपॉन 8 इसकी पावर 2x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 8 और इसकी पावर 4। अब क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस दे रखी हैं, दैट मींस ये आपकी इक्वेशन है और इस इक्वेशन देखो दोनों का बेस क्या है सेम है। जब बेस सेम होता है स्टूडेंट तो पावर आपकी इक्वल होगी, दैट इज 2x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 और 2 से 4 2 टाइम कट गया, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम b पोर्शन को लेते हैं। b पोर्शन में हमें दे रखा है 3 अपॉन 4 और इसकी पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन 60। अब देखो इसका बेस क्या है 3 अपॉन 4, अब 9 अपॉन 16 को हम 3 अपॉन 4 की फॉर्म में लिखेंगे, 3 अपॉन 4 और इसकी होल पावर x माइनस 1। 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर अपॉन 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। सो 3 अपॉन 4
इसकी पावर x माइनस वन इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन है तो देखो इसका बेस 3/4 और इसका बेस 3/4, तो पावर को हम इक्वल रख सकते हैं। तो x माइनस वन इज इक्वल टू क्या जाएगा 2। अब माइनस वन को इस साइड ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, 2+1 हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में हमने देखा माइनस 6 की पावर x इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2 की होल पावर 3। सो माइनस 6 की होल पावर x, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 2 6, माइनस पहले है और इसकी पावर 3। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल रख देंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।